देवकी नंदन ठाकुर को मिली धमकी, दुबई से आया धमकी भरा फोन, जान से मारने की मिली धमकी। मान प्राकट्य महोत्सव पर 16 तारीख को हमने वाशिम डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में शोभायात्रा निकाली थी, जिसके बाद 18 तारीख को दिन के 12 बजे कॉल आया और उन्होंने अनाप शनाप गालियां दी, उल्टा सीधा बोला हमारे कार्यालय में, और उन्होंने कहा कि धर्म वर्म की बातें करते हो, संस्कृति की बातें करते हो, तुमको देख लिया जाएगा, मारने की धमकी इत्यादि इत्यादि दी उन्होंने। इस पत्र को जरा ध्यान से देखिए। ये शिकायती पत्र विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट ने मथुरा के जैन थाने में भेजी है। इस पत्र में लिखा गया है कि किस तरह से एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन करके श्रीमद् भागवत कथा वाचक देवकी नंदन ठाकुर को जान से मारने की धमकी दी है। ये फोन दुबई से आने की बात कही जा रही है। धमकी देने वाले ने देवकी नंदन ठाकुर पर मुसलमानों और ओवैसी के खिलाफ बोलने का आरोप लगाया है। जी हाँ, अगर कोई सनातन धर्म की रक्षा की बात करता है, अगर कोई देव ईश निंदा पर कानून बनाने की मांग करता है, और अगर कोई सनातन धर्म के अनुयायियों को शांतिपूर्वक जगाने की कोशिश करता है, तो उसे इसी तरह की धमकी मिलती है। इस बार निशाने पर हैं विश्व विख्यात श्रीमद् भागवत कथा वाचक देवकी नंदन ठाकुर। उनकी गलती बस इतनी थी कि उन्होंने सरकार से देव ईश निंदा पर कानून बनाने का आग्रह कर दिया। हम भारत सरकार से, सभी प्रदेशों की सरकार से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस देश में ऐसे कानूनों का निर्माण हो जिससे हम कहीं भी किसी भी जगह पर अपने भगवान की भव्य शोभायात्रा निकालें, कथा करें, भजन करें, कीर्तन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। हमें रोकने वाला कोई न हो, हमारे ऊपर पत्थर न बरसाए, जो हमारे देवी देवताओं का अपमान करे उन्हें सीधा सीधा देव ईश निंदा का एक कानून बने, उन्हें मृत्यु दंड मिलना चाहिए। तो सुना आपने देवकी नंदन ठाकुर ने देव ईश निंदा के बारे में क्या कहा? मौका था हनुमान जयंती के अवसर पर महाराष्ट्र के वाशिम में निकाली गई पदयात्रा का। इस पदयात्रा में हजारों की संख्या में ठाकुर जी के भक्त मौजूद थे। मांग बस इतनी थी कि देव ईश निंदा का कानून बने और सनातन धर्म के अनुयायियों पर पत्थरबाजी करने वालों के खिलाफ दंड का प्रावधान हो। आइए आपको सुनाते हैं देवकी नंदन ठाकुर का वो पूरा बयान जिसने खुद को शांति दूत कहने वाले लोगों को बेचैन कर दिया है। खरगोन में, मध्य प्रदेश में राम जी के प्राकट्य महोत्सव पे निकाली गई शोभा यात्रा का लोगों ने पत्थर मारकर उनका स्वागत किया था। ये पूरे सनातनियों का एक जनसैलाब है। श्री हनुमान जी महाराज के प्राकट्य महोत्सव पे हम पुनः एक ऐसी यात्रा निकाल रहे हैं जो शांतिप्रद है। हम चाहते हैं कि हम सब सनातनी एक हों, शांति यात्रा करके सभी सनातनियों को जगाने का काम करें। हम अपने धर्म का पालन करते हैं, किसी भी धर्म का अपमान नहीं करते हैं, लेकिन हमें हमारे देश में अपने धर्म का पालन करने का पूरा अधिकार है। जी हाँ, यही वो बयान है जो एक खास समुदाय के विकृत मानसिकता वाले लोगों को हजम नहीं हो पा रही है। दुबई से धमकी मिलने की सूचना खुद देवकी नंदन ठाकुर के ट्विटर हैंडल से दी गई। ट्विटर में लिखा गया है कि 16 अप्रैल महाराष्ट्र में हजारों भक्तों के साथ यात्रा निकाली, जिसमें पत्थर तो नहीं बरसे, लेकिन आज दुबई से जान मारने की धमकी भरा फोन जरूर आ गया। मैं आग्रह करता हूँ कि इस मामले को संज्ञान में लेने का कष्ट करें। इस ट्विटर के साथ पीएमओ इंडिया, होम मिनिस्ट्री इंडिया, सीएमओ महाराष्ट्र और सीएमओ यूपी समेत शासन प्रशासन से जुड़े तमाम आला अधिकारियों को भी टैग किया गया। देवकी नंदन ठाकुर का ये ट्वीट दिन भर ट्रेंड करता रहा। हजारों प्रतिक्रियाएं आई। आम लोगों ने भी इस मामले में आरोपित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस मामले में फिलहाल मथुरा के जैन थाने में शिकायत दर्ज करा दी गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। इस मामले में महाराज जी के प्रतिनिधियों ने बताया कि उन्होंने केवल सनातन धर्म में आस्था रखने वालों को जगाने की बात कही थी, उनसे अपने धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए शांतिपूर्वक तरीके से आगे बढ़ने का आह्वान किया था। उन्होंने कहा था कि वो किसी भी धर्म,
पंथ के विरुद्ध नहीं है। इन सब चीजों से अगर आप ये चाहते हो कि हम संस्कृति का प्रचार प्रसार करना बंद कर दें, धर्म का प्रचार प्रसार बंद कर दें, ये तो हम करेंगे नहीं। हमने कभी भी किसी के धर्म पर उंगलियां नहीं उठाई हैं, परंतु जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हम अपने हिंदू सनातन धर्म की बातें करते रहेंगे, अपनी संस्कृति की बातें करते रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। अगर हम इन सब चीजों से डर जाएं, इससे पूर्व में भी हमें कई बार कहा कि टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, तो हम तो आए ही ठाकुर जी के प्रचार के लिए हैं, हमें जो भी झेलना पड़ेगा हम झेलेंगे। मैं भारतीय सरकार से, प्रशासन से सबसे निवेदन करूंगा इसमें जो भी कार्यवाही हो सके वो करें, क्योंकि बताया है कि वो दुबई से कॉल आया है और उन्होंने बहुत अनाप शनाप बातें की हैं। कभी भी मैंने अपने जीवन में किसी अन्य धर्म की निंदा नहीं की है, परंतु मैं अपने धर्म का प्रचार प्रसार करूंगा। मैं भारत में रहता हूं, मैं सनातनी हूं, चाहे इसके लिए मुझे जो कीमत चुकानी पड़े मैं चुकाऊंगा, लेकिन मैं डरूंगा नहीं, मैं पीछे हटूंगा नहीं, मैं सनातन धर्म का प्रचार करता रहूंगा। भारत में सनातन धर्म और उसकी विचारधारा को मानने वाले लोग बहुसंख्यक की श्रेणी में आते हैं, और अगर इस बहुसंख्यक श्रेणी के धर्म गुरु को ही इस तरह की धमकी मिलने लगे तो आम लोग खुद को कैसे सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉच इंडिया।